Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss another behavioral modification technique of prospective teachers, that simulation. Prior to this, I have already discussed with you micro teaching, and this time I am going to deal simulation. देखिए, जब हम टीचिंग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या हम बीएड कर रहे होते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, कि हम शिक्षक के व्यवहार को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. तो उसके कई तरीकों में से माइक्रो टीचिंग और सिमुलेशन बहुत आपके कोर्स में होता है, सिलेबस का हिस्सा होता है, पूछा जाता है. माइक्रो टीचिंग तो आप प्रैक्टिस का भी हिस्सा होता है, प्रैक्टिकम का हिस्सा होता है. सिमुलेशन की प्रैक्टिस बहुत कम जगह कराई जाती है, बट एटलीस्ट वी हैव टू नो अबाउट इट्स थ्योरी. तो सिमुलेशन है क्या? सिमुलेशन का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई रोल प्लेइंग है ना. सिमुलेशन मतलब हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं, हमको दे दिया गया है और हमको रोल दे दिया गया कि आज हम टीचर की भूमिका में हैं, आज हम ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं, आज हम स्टूडेंट की भूमिका में हैं, और वो रोल प्ले करेंगे और फिर उस हिसाब से सोचेंगे, उस हिसाब से देखेंगे कि अगर हम टीचर होते तो कैसे पढ़ाते, हम ऑब्जर्वर होते तो कैसे आप में कोई क्रिटिक बनते, क्या आप क्या प्लस पॉइंट बताते, क्या माइनस पॉइंट. मतलब उस सिचुएशन में आपको रखने की एक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ है कि किस तरह से आपके बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकें, है ना. बस इतना ही है. तो सिमुलेशन सारे यूजफुल सिमुलेशंस लिख दिया, से आर हो गया. सिमुलेशन इज अ यूजफुल टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर इलस्ट्रेटिंग ए कॉम्प्लेक्स एंड चेंजिंग सिचुएशन. यानी कि कोई जटिल है परिवर्तनशील परिस्थिति के इलस्ट्रेशन के लिए ये टीचिंग स्ट्रेटजी यूज होती है. दे आर नेसेसरीली लेस कॉम्प्लेक्स देन द सिचुएशंस दे रिप्रेजेंट. जिन सिचुएशन को ये का ये प्रतिनिधित्व करते हैं उससे ये निश्चित रूप से कम जटिल होते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आपसे पहले भी बात की है. बहुत फेमस इन द सेंस बहुत पॉपुलर टर्म है, आजकल बहुत बात हो रही है, बहुत बहुत फोकस में है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि हम एक्सपीरियंस से सीखें, हम रिफ्लेक्शन करें, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बहुत बात है. तो सिमुलेशंस आर इंस्ट्रक्शनल सिनेरियोज वेयर द लर्नर इज प्लेस्ड इन अ सिचुएशन डिफाइंड बाय द टीचर. इसका मतलब कि टीचर एक पोजीशन डिफाइन करेगा, वो प्लेस पे आपको जाना है और आपको वो एक्ट इनएक्ट करना है. दे रिप्रेजेंट अ रियालिटी विद इन विच स्टूडेंट्स इंटरैक्ट. एक तरीके की रियालिटी का ये निर्माण करते हैं जिसमें कि विद्यार्थी को इंटरेक्शन करना होता है. द टीचर कंट्रोल्स द पैरामीटर्स ऑफ दिस सिचुएशन. और ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, नहीं. टीचर ने इसकी सिचुएशन की पैरामीटर्स को कंट्रोल किया हुआ है एंड यूजेस इट टू अचीव द डिजायर्ड इंस्ट्रक्शनल रिजल्ट. और वांछित अनुदेशनात्मक परिणामों की प्राप्ति के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है. सिमुलेशंस आर इन ए वे लैब एक्सपेरिमेंट्स वेयर स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर द टेस्ट सब्जेक्ट्स. मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिमुलेशन कुछ नहीं, एक तरीके का प्रयोगशाला में किए जाने वाला प्रयोग है जिसमें कि स्टूडेंट खुद ही टेस्ट, स्टूडेंट्स पर ही टेस्ट किया जा रहा है ना. दे एक्सपीरियंस द रियलिटी ऑफ द सिनेरियो एंड गैदर मीनिंग फ्रॉम इट. तो जो विद्यार्थी हैं वो सिनेरियो परिदृश्य की रियलिटी का से अनुभव लेते हैं और उनसे अर्थ निकालते हैं. इट इज अ स्ट्रेटजी दैट फिट्स वेल विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. और सिमुलेशन कंस्ट्रक्टिविज्म की प्रिंसिपल में भी फिट इन बैठता है. फिर सिमुलेशन के एजम्पशंस, क्या एजम्पशंस हैं इसके, मूलभूत मान्यता इनके पीछे क्या है कि टीचर बिहेवियर इज मॉडिफाइबल. इसीलिए तो मॉडिफिकेशन टीचर के मॉडिफिकेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक में यूज किया जाता है. तो सबसे पहली बात कि शिक्षक के व्यवहार को मॉडिफाई किया जा सकता है, ये कह रहा है. दूसरा क्या कह रहा है, पैटर्न्स ऑफ टीचर बिहेवियर आर एसेंशियल. यानी कि टीचर के बिहेवियर में निश्चित रूप से कोई पैटर्न होना चाहिए. और टीचर बिहेवियर है टैक्सोनॉमी, टीचर के बिहेवियर में वर्गीकी भी होती है. जैसा कि कार्ल ओपेनशॉ ने बताया कि कई डायमेंशंस हैं टीचर के बिहेवियर के, जैसे सोर्स डायमेंशन, डायरेक्शन डायमेंशन, फंक्शन डायमेंशन, साइन डायमेंशन. तो इसके भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. और सोशल स्किल्स कैन बी डेवलप्ड, ये इसकी मान्यता है. मतलब हम आपको सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं, है ना. तो इसलिए सारा टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक ही है कि हम आपको स्किल्स सिखा सकते हैं, सोशल स्किल्स भी सिखा सकते हैं. और यूज ऑफ फीडबैक, माइक्रो टीचिंग में भी ये चल रहा था कि जब हम आपको प्रतिपुष्टि देते हैं, इमीडिएट फीडबैक देते हैं, समय पर फीडबैक देते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, तो वो आपके फायदे के लिए होता है. तो इसी तरह से यहाँ पे भी प्रतिपुष्टि का इस्तेमाल करके हम सोशल कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट टीचर्स को सिखा सकते हैं. फिर इसके एजुकेशनल यूजेस, ये तो सिमुलेशन है, पर शैक्षिक उपयोग इसके क्या हैं. शैक्षिक उपयोग हैं, इसकी वजह से आप थ्योरी और प्रैक्टिस को कंबाइन कर सकते हैं, विद्यार्थियों को इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं. एक वेल डिजाइंड अगर सिमुलेशन आपने बना लिया है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आप अचीव कर सकते हैं उससे. विद्यार्थियों में इससे इनिशिएटिव पावर डेवलप होती है, क्रिएटिव थॉट की, अच्छा हम इसकी जगह हों तो कैसे, तो वो सोचेगा, वो डाइवर्जेंट तरीके से सोचेगा, तो क्रिएटिविटी डेवलप होगी. इनिशिएटिव पावर की, अच्छा ठीक है हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, आज हम टीचर बनेंगे, आज हम ऑब्जर्वर बनेंगे, अगर वो उसको उस पर निर्णय छोड़ दिया गया तो. इसी तरह से
कॉग्निटिव आउटकम के साथ साथ नॉन कॉग्निटिव स्किल्स और डिजायरेबल एटीट्यूडिनल ट्रेड्स भी इससे भी स्टूडेंट्स में डेवलप किया जा सकता है. स्टूडेंट्स जो ये है पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो कमिट देमसेल्व्स होल हार्टेडली टू द वर्क ऑफ एक्सरसाइज. मतलब कुछ उनके रोज के पैटर्न से अलग काम है ना, तो वो मन से भी करते हैं, होल हार्टेडली करें इसके लिए ये मोटिवेट करता है. ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, इस तरह से हमारे आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी की भी बहुत बात है. तो हम जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसेप्ट का इंटीग्रेशन सीखते हैं. और इसी तरह से स्पेशली इन साइंसेस सिमुलेशंस हेल्प डेवलप लेबोरेटरी स्किल्स इन सिचुएशंस वेयर कन्वेंशनल एक्सपेरिमेंट्स आर आइदर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल. बहुत कठिन, कोई असंभव सा दिखने वाला प्रयोग है, उसको हम सिमुलेट करके, मतलब हम उसकी जगह होते तो ऐसा सिमुलेट करके कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे भी ये लाभप्रद है. इसके सॉरी ये एजुकेशनल यूजेज नहीं है, ये स्टेप्स हैं. हाँ, ऊपर की स्लाइड चेंज होना भूल गई. तो स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करेगा कि सबसे पहले असाइनमेंट, सबसे पहले टीचर क्या करेगा, तय करेगा कि किसको कौन सा काम देना है, किसको हम कोई ग्रुप को नंबर दे देंगे, लेटर दे देंगे, पर ये इंश्योर रखेंगे कि ये रोटेट होता रहे. मतलब ये ना हो कि एक ही ग्रुप बार बार टीचर बन रहा है, एक ही ग्रुप बार बार ऑब्जर्वर बन रहा है. नहीं, कभी आप टीचर बनिए, कभी ऑब्जर्वर बनिए, कभी पीयर ग्रुप बनिए, स्टूडेंट बनिए, है ना. फिर आप सिलेक्शन और डिस्कशन ऑफ द स्किल कर लीजिए कि आज आप कौन से स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. फिर हम कुछ कंसिडरेशंस का पहले ही डिसीजन ले लेंगे, जैसे कौन कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा, कौन बीच में इंटरवीन करेगा, कौन इंटरेक्शन स्टार्ट करेगा, कहाँ कब रोका जाएगा, सारा कुछ. ये सब पहले से होना चाहिए, बीच में नहीं. फिर डिसाइडिंग द प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन, ये भी कि कैसे हम इसका मूल्यांकन करेंगे, है ना. फिर कंडक्टिंग प्रैक्टिस सेशन, फिर आप प्रैक्टिस सेशन चलाइए. और फिर टू अप्रेज एंड रीडिजाइन द प्रोसीजर. और जब प्रैक्टिस सेशन चल जाए, एक सेशन चल गया कि एक ग्रुप ने टीचर की तरह एक्ट किया, एक ने ऑब्जर्वर की तरह, कुछ पीयर ग्रुप बन गए, फिर आप उसको देखिए आप कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसका अप्रेजल कीजिए, आकलन कीजिए, और फिर कोई कमी हो तो उनको इमीडिएट फीडबैक दीजिए, और फिर उस प्रोसीजर को रीडिजाइन कीजिए. तो इस तरह से एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल कॉम्प्लेक्स कंडीशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम रोल प्लेइंग के थ्रू अपने बिहेवियर, मतलब हम रोल प्लेइंग के थ्रू अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं. ये इसका जिस्ट है. और अगर सिमुलेटेड टीचिंग की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर. ये बात हो गई. यहाँ स्टूडेंट टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू प्ले द रोल ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स एंड सुपरवाइजर. ये भी बात हो गई. अब इसमें करना क्या है, ओरिएंटेशन. पहले आप स्टूडेंट्स को अपने बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है कंसेप्ट ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग क्या है. फिर इंपॉर्टेंस एंड रैशनेल ऑफ यूजिंग सिमुलेटेड टीचिंग फॉर देयर ट्रेनिंग, यानी उनके प्रशिक्षण के लिए किस तरह से सिमुलेटेड टीचिंग की महत्ता है. फिर कौन कौन से प्रोसीजर यूज होंगे इसमें. फिर कौन कौन से नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स इन सेटिंग फॉर अडॉप्टिंग सिमुलेटेड टीचिंग. सिमुलेटेड टीचिंग के लिए आपको क्लासरूम में क्या चेंज करना पड़ेगा, कौन सा मेज टेबल इधर उधर करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट जरूरत है. और सिलेक्शन ऑफ द थीम फॉर टीचिंग, और हम कौन सी थीम पर आज टीचिंग करेंगे, इतना आप ओरिएंटेशन में स्टूडेंट्स को बताएंगे. फिर आप एक डेमोन्स्ट्रेशन लेसन दे दीजिए. कभी कभी ये सीनियर पीयर ग्रुप से, मतलब सीनियर आपका कोई मतलब पास आउट मेंबर से करवाया जाता है, बहुत अच्छा कोई स्टूडेंट पढ़ाती हो या कोई टीचर वो नहीं मिल पाए, तो टीचर्स को डेमोन्स्ट्रेशन लेसन देने चाहिए कि इस तरह से आपको पढ़ाना है. उसके बाद आप उनको असाइनमेंट ऑफ रोल्स, उनको भूमिका बता दीजिए कि आज आप किस भूमिका में हैं. फिर आप स्किल की सिलेक्शन कर लीजिए कि किस स्किल की प्रैक्टिस की जाएगी. फिर आप वर्क शेड्यूल बनाइए कि एंटिसिपेटेड क्लासरूम इंटरेक्शन इज प्लान. सब कुछ सुनियोजित है, पहले किया जा रहा है, सिर्फ हमको जाके वहाँ एक्शन करना है, इनएक्ट करना है, एक्टिंग करनी है, यू कैन से, है ना. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक का प्रोफॉर्मा पहले से बना दिया जाए, कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे. फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन. अब आप पहले प्रैक्टिस सेशन का संगठन कीजिए और फिर उसके बाद फॉलो अप करते रहिए कि क्या मॉडिफिकेशन जरूरत थी, कहाँ क्या गड़बड़ी हो गई, अगली बार क्या सुधारना है. इस तरह से सिमुलेटेड टीचिंग क्लास में कराई जाती है. तो इसके एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस हैं कि कॉम्प्लेक्स रियल क्लासरूम सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, सीरियस टीचिंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए. हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में ही कोई सोल्यूशन हो जो हमें समझ में ना आ रहा हो, है ना. इसकी सहायता से इंक्वायरी, स्किल डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन और रिफ्लेक्शन डेवलप होता है स्टूडेंट्स में. फीडबैक और एडवाइस की सहायता से उनकी थिंकिंग और अपॉर्चुनिटी टू रिपीट अ लेसन एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव डिसीजंस, ये सब बढ़िया है, मतलब, है ना. इंटरैक्टिव एजुकेशनल सेटिंग मिलती है, बच्चे और इफ़िशियंट तरीके से सीख जाते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डिफरेंट रोल्स प्ले करने की, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना कम्युनिकेशन और थिंकिंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क स्किल्स सुधारने की, उनका इंटरेस्ट मोटिवेशन जागृत होता है, बढ़ता है. उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सोशल पार्टिसिपेशन कर सकें, वेरियस टीचिंग स्किल्स और क्लासरूम मैनर सीख सकें कि नहीं आप टीचर बन के क्लासरूम में ऐसे नहीं एंटर करेंगे. इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना.
दे ऑल्सो प्रोवाइड रैपिड फीडबैक हो गया टफ सिचुएशन में, स्टूडेंट टीचर्स में कॉन्फिडेंस आता है, भाई आप एक्चुअल क्लासरूम में नहीं है, आप अपने पीयर ग्रुप के साथ ही हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बार बार क्लासरूम में वो लीड करने में, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं, बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इसमें टेक्निक रिक्वायर्स एक्सपर्टीज ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स एंड वेरी फ्यू टीचर्स आर रेडी टू टेक एक्स्ट्रा बर्डन। देखिए हम लोग क्या होता है, पहले से ओवरलोडेड है ना, हमें अपना सिलेबस भी पूरा करना है, हमें पेपर भी बनाना है, हमें कॉपी भी जांचनी है, हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी कोई ना कोई टीचर इन्वॉल्व है, तो अलग से कुछ करने में मतलब थोड़ा सा बर्डन लगता है ना कि अरे ठीक है। लेकिन तो ये आपको इसके लिए हाईली डेडिकेटेड टीचर्स चाहिए जो इसको ठीक कर सकें, है ना, मतलब खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करें और इसको डेमोन्स्ट्रेट करें। फिर ये आर्टिफिशियल सिचुएशन है, तो जब तक आप रियलिटी में नहीं जाएंगे तब तक तो आपको आर्टिफिशियल ही सिचुएशन मिलेगी, तो उसमें आप जितना भी सीख सकें, पर एक्चुअल कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब आप रियलिटी में, लेकिन तब भी एक सॉर्ट ऑफ, है ना। फिर ऑडियो विजुअल एड्स अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो स्पेशल फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, तो ये सब कभी कभी मुश्किल पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। फिर स्टूडेंट टीचर्स प्ले द रोल ऑफ स्टूडेंट्स एज दे आर क्वाइट मेच्योर, वी कैनॉट एक्सपेक्ट देम टू प्ले द रोल ऑफ चिल्ड्रन। ये अक्सर होता है माइक्रो टीचिंग में भी, हम लोगों ने देखा है कि जब स्टूडेंट्स पीयर ग्रुप बनते हैं तो वो मजाक का माहौल बन जाता है ना, वो सीरियसली तो हाँ मास्टर जी, हाँ मास्टर साहब इस तरह से करके, या उनका जो साथी पढ़ाने गया है उसको कभी टीज करते हैं, कभी उसकी हेल्प करते हैं, मतलब वो एक्चुअल क्लासरूम कंडीशन नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी दिक्कत है, एंड दिस टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर द करिकुलम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, और सब विषयों के लिए, सब विषयों के पाठ्यक्रमों के लिए ये टेक्निक नहीं यूज की जा सकती है ना। तो हो गया माइक्रो टीचिंग का, जनरली प्रैक्टिस होता है, सिमुलेशन का नहीं होता है, बट थीम पता होना चाहिए कि हम एक्ट कर रहे हैं वहां जाके, यहाँ पे उतना स्किल पे एम्फेसाइज, उतना इंटीग्रेशन ऑफ स्किल, ये सारी बातें नहीं, बस आपको एक सिचुएशन दे दी गई, आप वहां जाके रोल प्ले कीजिए, ये सिमुलेशन है। ओके, सो सिमुलेशन रह गया था, तो सिमुलेशन भी हो गया। तो इस तरह से आप सभी को धन्यवाद, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एक्सप्लोर एजुकेशन आज हिंदी में। ओके okay?